परिवर्तन स्वभाव। मेरे जीवन में जो जो पाप है उसे सुलगा के साफ कर दू, राख कर दू। मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा। महाभारत की इतनी स्टोरी सुनने के बाद मैंने एक आदमी से पूछा था ना, हमें तो अमथू रमी अमथा माथी मुझे रुपया पैसा नु आप नहीं चाहिए। घर जाकर पहला काम ये करना, 52 पत्ता की जो केक है ना उससे घर में से बाहर निकाल नाराज कर देगा, सारा घर खत्म कर देगा। महाभारत आपने देखा है ना चोपड़ा साहब का, अब दोबारा रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं है। क्या हुए हाल द्रौपदी? जुआ नहीं, क्रोध नहीं करो, व्यसनों का सेवन नहीं करो, अभक्ष का सेवन नहीं करो, मिनिमम आई एम जैन ऐसा बोल सको। नहीं तो मुझे बोलना पड़ेगा कि आपके लिए अब नया टाइटल एम आई जैन। क्या मैं जैन हूं? जो अपनी बहू को मारे, बहू को अपघात और अग्नि स्नान करना पड़े, बहू को कोई गाड़ी की पटरी के नीचे जाके सोना पड़े, ये जैन का घर नहीं हो सकता। जबरदस्ती से कभी अपनी बहू के पास एबॉर्शन करवाते आपको लगेगा कि मां सब आपको कैसे पता चलता है। हमारे पास जब आलोचना आती है तब पता चलता है, कोई सासू के आग्रह से, कोई पति के आग्रह से, कोई परिवार के आग्रह से। मरसक मेरी इच्छा नहीं थी, मैं बहुत अच्छे जैन घर की पुत्र वधू कुल वधू कोई कुलीन लड़की हूँ और यहाँ आकर के मुझे मेरे बच्चे को मारना पड़ा। आवर्ष मदर टेरेसा ने अच्छी बात की, वी बिलीव इन एडॉप्शन नॉट इन एबॉर्शन। अरे किसी का बच्चा रास्ते में पड़ा हो तो उसको एडॉप्ट करने के लिए हम है, नहीं अपने बच्चे को खत्म करने वाले। क्या जैनों की लड़कियां एबॉर्शन करवा, चाहे 8वां महीना हो चाहे 1ला महीना हो, जीव पहले ही दिन से उसमें है। एबॉर्शन करवाया, पंचेंद्र की हत्या करने वाले के लिए नरक के ही द्वार खुले हैं, बाकी कोई गति के द्वार खुले हैं। बहुत धर्म किया, धर्म की प्रवृत्ति थोड़ी कम होगी तो चलेगा, पाप में से निवृत्ति पहले चालू कर दो। एक मंदिर की पूजा यदि कम होगी तो चलेगा, लेकिन तुम्हारे घर में जैना का पालन नहीं होगा, नहीं चलेगा। एक आयम बिल यदि आप नहीं करोगे ना तो चल सकता है, वो धर्म की प्रवृत्ति है। लेकिन होटल और रेस्टोरेंट में आप जाते हो जहां पर नॉन वेज भी बनता है, वही होटल में आप जाते हो और कहते हो नहीं नहीं हमारे लिए तो अलग से वेज आता है। अरे किसने देखा है किचन रूम में क्या बनता है? बंबई का एक परिवार था, परिवार के साथ एक होटल में गया, उन्होंने टोमेटो सूप मंगवाया, भाई बहन और लड़की तीनों जन बैठे थे ग्लास के अंदर और टोमेटो सूप भाई बहन यानी कि पति पत्नी माँ बाप ने खाना शुरू कर दिया। 5 साल की बच्ची थी, उसने हाथ में लिया टोमेटो सूप, अंदर चम्मच डाली वापस बाहर लाई, चम्मच डाली वापस बाहर लाई, पापा मैं ये नहीं पीऊंगा, ये ना क्या बोल रही। उस जमाने में वो 75 रुपये का था, आज तो कितने का है मुझे पता नहीं। 75 रुपये का ग्लास है, ऐसे तू ना बोलेगी तो थोड़ा चलेगा, वो वापस थोड़े देने वाले, पैसे थोड़ा वापस मिलने वाले। ए पापा इसमें कुछ दिखता है? अरे वो टोमेटो के ऊपर के सब छिलके। नहीं नहीं पापा कुछ लगता है, आप देखिए ना। मैंने कहा ना तुझे पीना पड़ेगा, नहीं पीऊंगी। 5 साल की बच्ची। पापा ने ग्लास हाथ में लिया, समझ में नहीं आया, वेटर को बुलाया, जरा देखिए ना ये क्या है, ये बच्ची मना कर रही है, आपकी तो सर्विस अच्छी है लेकिन बच्ची को पता नहीं चलता है। लेके गया किचन में, ग्लास उल्टा किया, समझ गया वेटर गलती हो चुकी है, दूसरा ग्लास लेके आया। पापा ने पूछा ये क्या है? सॉरी सर, टोमेटो सूप की जगह हमने चिकन सूप का ग्लास ले लिया। एक 5 साल की बच्ची को पता चलता है कि ये टोमेटो सूप नहीं है, जो भी हो लेकिन टोमेटो सूप नहीं है, इस तंगड़ी मुर्गी की तंगड़ी।
छोटी तंगड़ी का टुकड़ा इसमें दिखाई दे रहा है, बच्ची मना कर रही है। बाप कहते हैं बेटा पी जा, 75 रुपया है मफत का थोड़ा। अब अपने बच्चों को क्या संस्कार देने के लिए इच्छा रखती है, कितनी बातें करो। बच्चे बड़े हो जाने के बाद, बच्चे बड़े हो जाने के बाद कॉलेज में भेज देते हो, मोबाइल देते हो, 5G दे देते हो, सब कुछ दो, मेरी मना नहीं है, लेकिन साथ में विवेक भी दे दो।